अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है भाई। आज की ये वाली वीडियो जो है वो मगरमच्छ के बारे में है। ऑल दो मैं मगरमच्छ के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, फीफी था उस टाइम पे, ये फीफी नहीं है। तो खैर, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार आखिर में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जान लें कि मगरमच्छ इंसान के दोस्त नहीं होते, कोल्ड ब्लडेड होते, ये आसरा वगैरह नहीं करते। तो अगर आपके दिमाग में ये सोच है कि आप भी एक मगरमच्छ को घर में एज अ पेट रखेंगे या घूमेंगे फिरेंगे, यू नो, तो आपकी बहुत गलत सोच है। आप मगरमच्छ नहीं पाल सकते घर में और ना ही आपको रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी डेंजरस, ट्रस्ट मी। और ये जो मगरमच्छ आप देख रहे हैं, इनका नाम, ऑल्दो मुझे पता नहीं है क्या नाम है, लेकिन आप इनका नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि इनका नाम क्या होना चाहिए। ऑल्दो दिस क्रोकोडाइल, इट्स अ मार्श क्रोकोडाइल, ठीक है जी, ये यहाँ पर पाए जाते हैं और ये रेस्क्यू किया था TRW की टीम ने। TRW किसका है? यू गाइज नो, ऑन का है। ऑन लोगों ने इसको रेस्क्यू किया था। इसकी उम्र, इसके साइज के हिसाब से व्हाट आई थिंक, बेटा जरा तुम सीधी करना, एक मिनट, 3 साल, क्योंकि तकरीबन 3 फीट का है तो 3 साल का होगा, 6 फीट का होगा, 6 साल का होगा, और इनकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन इनका साइज जो है 14 फीट पे आके रुक जाता है। तो भैया मार्श क्रोकोडाइल है ये, ठीक है। स्किन का आपको पता है, एज यू गाइज ऑल नो, कि बड़ी महंगी स्किन बिकती है, लुई विटॉन, प्राडा, एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो क्रोकोडाइल की स्किन का काम करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। जानवर है, खत्म हो रहे, बचाना चाहिए भाईजान। आप लोग स्किन काट के, छील के जो है बेल्ट का बकल बना दो, इस मखसूस इस जगह का बेल्ट का बकल बनता है और बहुत महंगा बनता है। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये कहेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी कहा था, इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक वीडियो लगाई थी जिसपे मैं इस बच्चे को सुना रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर अजलान शाह, तो इसका मुंह पर से टेप उतारो और फिर वीडियो बनाओ, तो हम तुम्हें बताएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। तो भाई देखो, बेवकूफ नहीं हूं मैं, ठीक है, इंसान हूं, मुझे पता है, सही है, इंसान हूं, ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कोई ह्यूमन नहीं होता कि भाई इसके मुंह पर से टेप उतार के इसके सर के अंदर मुंह डाल दिया, यू नो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। एनीवे, सो द पॉइंट इज दैट ये अपनी सेफ्टी के लिए मैंने लगाया है, बिकॉज जस्ट बिकॉज देखिए, ये जितना भी टेम हो जाए, ये जितना भी पालतू हो जाए, अगर आप देखें, मैंने फीफी के साथ जो वीडियो बनाई थी, इसमें भी ऑन ने ये चीज़ बताई थी, और ऑन की भी इनफैक्ट एक वीडियो आई थी जिसमें उसी क्रोकोडाइल के साथ वीडियो बना के कह रहा था कि यहाँ पर सेंसर्स होते हैं कुछ इसके, क्रोकोडाइल के। तो ये जितना भी टेम होगा, जितना भी पालतू हो जाएगा, अगर मेरी उंगली यहाँ टच हो जाएगी तो ये अपना जॉ लॉक कर लेगा और अपना मुंह भी अलग इस तरीके से हिलाएगा और मेरी उंगली यहाँ से अलग कर लेगा आसानी से। तो ये इनकी एक इंस्टिंक्ट होती है कि मतलब ये नेचुरली इनके अंदर ये होता है कि जितना भी पालतू हो जाए, यहाँ कुछ भी टच होगा, ये उसको चीज को पकड़ लेगा। तो ऑब्वियसली अपनी सेफ्टी के लिए इंसान को लगाना जरूरी है। खैर, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये वाइल्ड में नहीं जा सकता, दैट्स बिकॉज कि यहाँ पर एक सिंध के अंदर एक लेक है, हालेजी लेक, वहाँ क्रोकोडाइल की सेंचुरी बनी हुई है, वहां जाके रिलीज होगा, लेकिन अभी हम इसको रिलीज नहीं कर सकते। उसकी दो वजूहत है, पहली वजह यह है कि ये बहुत छोटा है, दूसरी वजह यह कि अगर इस छोटे को वहां जाके छोड़ देंगे तो वहां पर जो बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स हैं वो इसका हशर मशर कर देंगे। अगर आपको याद होगा फीफी, तो फीफी का साइज माशाल्लाह से बहुत बड़ा था, इनफैक्ट सोफे जितना था, और जब वो इतना बड़ा हो गया तब जाके उसको जो है हालेजी लेक में उसको रिलीज करा था, ताकि वो लड़ सके दूसरे क्रोकोडाइल से, क्योंकि भाई एक इकोसिस्टम है, एक सर्कल है, सर्कल ऑफ लाइफ है, कि भाई यू नो एक होगा तो दूसरा आएगा, दूसरे तो तीसरा आएगा। खैर, अब बात ये आती है कि मगरमच्छ मेरे घर में है, सोफे पर है, घर वालों का रिएक्शन, घर वाले क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहेंगे। ऑल्दो मेरी अम्मी बहुत नाराज है मुझसे, क्योंकि ये मेरे बाथरूम में था
और सुबह जब मासी आती है कपड़े धोने के लिए देखने के लिए, तो उस बेचारी को भी एक सरप्राइज मिला है कि बाजी ये क्या रखा हुआ है अंदर इतनी बड़ी चिपकली। खैर तो मेरी अम्मी मुझसे बहुत सख्त नाराज है, लेकिन मेरे पापा दी ग्रेट। मैं आपको अपने अब्बा से मिलवाता हूँ और अब्बू को, एज यू गाइस ऑल नो, मेरे अब्बा को जो है COVID-19 पॉजिटिव आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर गए हैं, तो मैं उनकी कहानी भी सुनाऊंगा। तो यस, एक ट्रांजिशन लगेगी, उसके बाद मेरे अब्बा मेरे साथ आ जाएंगे। ठीक है जी, आ गए मेरे अब्बा। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो इनफैक्ट सबको ही पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जी हाँ, मेरे अब्बा एक्टर हैं और आप लोगों ने काफी इनको ड्रामों में देखा होगा, क्योंकि पापा काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं यार इनको हमने देखा, ये दिलीप कुमार से मिलते हैं। इनफैक्ट इनके साथ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसके नीचे इंडिया से बहुत सारे कमेंट्स आए थे ये दिलीप कुमार आपके वालिद साहब हैं। तो खैर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हाँ, मेरा अब्बा टीवी आर्टिस्ट है और अभी से नहीं है, बहुत पहले से है, और हाल ही में अब्बा को जो है कोरोना वायरस हो गया था, जो कि बहुत टेंशन दे बात थी, लेकिन अब्बा ने इस चीज को सरवाइव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से। और बहुत सारे अच्छी गजा खानी जरूरी होती है कोरोना वायरस में, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बतें और दुआएं थी जो मैं ऐसे खतरनाक मरहले से निकल आया, लेकिन एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि हिम्मत के बल बूते पर आप कोरोना क्या हो बस कोई भी बहाव आप शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन SOPs जो है ना वो जरूरी है। Yes. एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम इस वक्त एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ के साथ बैठे हैं, कोल्ड ब्लडेड मगरमच्छ। हाँ, बैठे हुए ना, हम तरीके से बैठे हुए, अभी बंगले के दिए कम से कम मेरा हाथ तो खा जाएगा। और एक बात याद रखिए, हमने इसे मोहब्बत से दोस्त बनाकर रखा है, ये बैठा हुआ है। वो बात तो आपने सुनी होगी, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रख सकते। तो भाई मगरमच्छ है, हमारा दोस्त है, लेकिन एक बात याद रखिए, हर आदमी ना सोचे कि मैं मगरमच्छ पाल लूंगा। ये नहीं कीजिएगा, पालने का गेम नहीं है बॉस, ये पालने की चीज नहीं है। ये चंद अरसे के लिए माशाल्लाह से क्योंकि रेस्क्यू किया हुआ है, ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए रखना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली इन फ्यू डेज ये इंशाल्लाह जो है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो TRW की टीम इसको रिलीज कर देगी। फॉर दोस हु डोंट नो अबाउट TRW, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका इंस्टाग्राम मेंशन किया हुआ है, जाके देख सकते हैं। ये लोग रेप्टाइल वगैरह, स्नेक्स वगैरह, जितने भी चीजें होती है रेस्क्यू करते हैं अपार्ट फ्रॉम कैट्स एंड डॉग्स। खैर तो पापा सवाल ये आता है, मतलब लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आपको डर नहीं लगता, या आपके घर वाले इस चीज में क्या बोलते हैं? ऑल्दो अम्मी तो नाराज है लेकिन आप बताएं। ये चीज इनहेरिटेड होती है, जीन में आती है। यस, ये इनहेरिटेड होती है। हमारे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम बिलोंग करते हैं स्वाद से। ये आज लोग भाई स्वाद से बिलोंग करता है आपका भाई, मतलब दादा पर दादा ना, हमारे आबा अजदाद जो है ना वो आकर स्वात में आबाद हुए थे, वहां से आए हैं अरब कर्विस्तान से, कहीं अरब से वहां आकर वो सेटल हुए थे, और फिर लाजिमा थे वो इलाका उस जमाने में दो सदियों पुराना, तो तीन सदियों पुराना, तो अजीब जंगल बयाबान होगा, तो इस कस्म की चीज आम थी, वो वहां आकर रुके। पठानों के दिल तो आप जानते हैं, तसंग हमारा शुक्र तशे दो, ये उन लोगों से एक चीज चली आई कि वो डरते नहीं थे, तो अब थोड़ी बहुत रवक हम में बाकी रह गई है माशाल्लाह। अजलान साहब देखा कभी शेर से, कभी चीते से, कभी सांप से, अल्लाह। तो वो मुझसे पूछते पापा आपको डर लगता है? मैं कह बेटा तुम्हें डर नहीं लगता, मुझे क्या डर लगेगा। हाँ अच्छा, काफी सारे लोगों को नहीं पता, चल मैं हम दो भाई हैं, मैं छोटा हूँ, मेरे भाई बड़े हैं, बड़े भाई जो है वो कैमरे के पीछे से वो वीडियो बना रहे हैं, उनको भी डर नहीं लगता, वो भी भाई वो भी पक्के चैंपियन, ऑल्दो ज्यादा मेरे साथ वीडियो में आते नहीं है, लेकिन उसको भी मैं किसी वीडियो में लेकर आके भाई को दिखाऊंगा कि मैं तो चैंपियन चलो कह लो हूँ, मेरा भाई मुझसे भी बड़ा चैंपियन है। खैर तो मगरमच्छ के आंसू, कहावत आपने सुनी होगी स्कूल में, जैसे मेरे टीचर ने भी मुझे कहा था, एक दफा मुझे मारा था टीचर ने,
तो मैं रो रहा था, तो सर ने कहा था ये मदन मत के, थोड़े से जब था उनका, ये मदन मत के आंसू क्यों बहा रहे हो? मगरमच्छ के आंसू, ये बड़ी फरेब की बात होती है। मगरमच्छ की आंखों में हमेशा पानी सा रहता है, हम देखते थे कि ओहो बेचारा रो रहा है, इस शख्स की आंखों में पानी है। अब लोग समझ रहे होंगे, हम समझ रहे होंगे कि ये रो रहा है, लेकिन नहीं, ये रो नहीं रहा, ये एक चीज इसके साथ है कि इसकी आंखों में पानी रहता है। इसीलिए तो सियाने कहते हैं ना, अबे मगरमच्छ के आंसू तो मत बहा, ये होते मगरमच्छ के आंसू। बहरहाल हमारा मगरमच्छ है, आंसू बहाए या किसी का खून बहाए, वो बताना कि टेढ़ा है तो मेरा, टेढ़ा है पर मेरा, ये वाली कहावत है। लेकिन वो मगरमच्छ के आंसू वाली जो कहावत है ना, ये होती है कि अगर आप इसकी आंखों में गौर करें ना, तो ये एक पर्दा आता है इसकी आंखों पर, वो एक्चुअली जो है ना, आई थिंक वो मगरमच्छ के आंसू। लोग कहते हैं कि अरे ये रो रहा है, लेकिन वो रो नहीं रहा था, एक पर्दा आता है जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो आ रहा है। खैर, तो ख्वातीन और हजरात, बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये थी मेरी आज की YouTube की वीडियो, और आई थिंक ये Facebook पे भी जाएगी। खैर, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जानवरों से प्यार करते रहें, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे पालतू जानवर हो, जो भी जानवर हो आप उसका ख्याल रखें, ठीक है जी। और क्योंकि उसके दिल से दुआ निकलेगी तो आप ही को लगेगी, भाई क्या कहना था? बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्यार बांटिए और प्यार हासिल कीजिए, प्यार बांटिए, प्यार लिए इस अपनेपन के साथ। वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल आ रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी उस दूसरे चैनल की। सेकेंडली, कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिएगा, एंड यस, मैं भी चाहता हूँ मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, ये मेरी नन्ही सी ख्वाहिश है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।